आज हम एक ऐसी कंपनी की एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, फिर चार्ट पे एनालिसिस करूंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ये एक स्टॉक है जिसका फंडामेंटल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी आज के डेट में इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे देखा जाए तो 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 39 करोड़ का हुआ है। और ये जो मेरे पास फिगर है, मैं उसी को यहाँ पे इनपुट करके मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ। तो इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट हुआ है 36.93 करोड़, नेट प्रॉफिट जो है, सारा प्रॉफिट, सारा एक्सपेंसेस काट के, टैक्स इंटरेस्ट सारा डिडक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट जो निकल के आता है वो 36.93, 2 करोड़ के आसपास इक्विटी है इस कंपनी के आसपास, इस कंपनी के पास 2 करोड़ का लगभग 3 करोड़ के आसपास इक्विटी है। 3 करोड़ इक्विटी में अप्रोक्सीमेट 2.9 करोड़ इक्विटी है। टोटल इक्विटी में अगर डिवाइड करते हैं आप तो 12 रुपीज का पर शेयर अर्निंग इस स्टॉक में हुआ है, इस पार्टिकुलर इस क्वार्टर में। पिछला क्वार्टर जो है जून क्वार्टर कोविड के कारण प्रॉब्लम रहा है, लेकिन उससे पहले का भी आप देखेंगे तो बहुत ही आउट परफॉर्म किया है। पिछले आप 36 करोड़ का प्रॉफिट सेप्टेम्बर 2019 का था, सितंबर 2019 के प्रॉफिट को बीट किया है ये। और लेकिन उससे पहले आप देखेंगे 36 करोड़ का प्रॉफिट जो है 17 से हमारे पास डेटा एनालिसिस है, 47 करोड़ का 17 में अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 17 और 18 सितंबर थर्ड सेकेंड क्वार्टर तक अच्छा रिजल्ट हुआ है, उसके बाद धीरे अप एंड डाउन चले हैं। उसके बावजूद लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में थोड़ा सा डैमेज देखा गया है, और उससे पहले भी थोड़ा सा डैमेज था, लेकिन कोविड के कारण ज़्यादा डैमेज हुआ, लेकिन फिर से ये ट्रैक पे आ गया है। मीन्स कि 30 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन जो था इस कंपनी का, फिर से उसी ट्रैक पे आ चुका है। लेकिन इस स्टॉक का प्राइस अभी भी बहुत नीचे है। एज फॉर फंडामेंटल अगर देखा जाए, ईयरली EPS पिछले क्वार्टर का, पिछले साल का 30 रुपये का अर्निंग रहा है, और उससे पहले 46 रुपीज का, तो ये एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंडिंग लाइन में है। और अभी भी आप 2 क्वार्टर का देख रहे हैं तो 15 रुपये का अर्निंग है, और आप अगले दो क्वार्टर को अगर इसी सितंबर से ही हम कंपेयर करेंगे तो सितंबर के बेसिस पे भी अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो लगभग 25 रुपीज आप ऐड कीजिए, प्लस 12 रुपये, 36 प्लस 3, 40 रुपये के अर्निंग इस स्टॉक का इस साल का मुझे एक्सपेक्टेड दिख रहा है जिस ट्रैक पे, क्योंकि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जा रहा है। अभी तक ये आप देखेंगे इसका डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था सेप्टेम्बर 19 से, वो डाउन ट्रेंड मुझे लग रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, क्योंकि उसी प्रॉफिट को ब्रेकआउट किया है, 50.5 करोड़ से ही किया हो, 0.5 करोड़ से ही किया है, लेकिन किया है तो ब्रेकआउट हुआ है। टेक्निकल भाषा में बोलेंगे हायर हाई, मीन्स कि ओवरऑल उस हाई को काट चुका है जहाँ से बियर ट्रेंड शुरू हुआ था। वैसे उससे पहले भी रिजल्ट खराब आए हैं, जून क्वार्टर खराब होते हैं अप्रोक्सीमेट, तो एज फॉर माई व्यू जून का क्वार्टर खराब होता है, तो कोविड के कारण अगर खराब दिख रहा है तो जून का क्वार्टर वैसे भी फर्स्ट क्वार्टर इनके लिए खराब होता है, लेकिन उससे ये जो सितंबर का क्वार्टर और दिसंबर और मार्च का क्वार्टर जैसा मेरा व्यू है अगर आ जाता है तो 40 रुपये की अर्निंग इस साल में आने के पूरे पूरे आसार है। और ये स्टॉक मैं आप लोगों को बता दूँ, ये स्टॉक है केयर रेटिंग का, ये जो फंडामेंटल एनालिसिस है ये केयर रेटिंग का मैं कर रहा हूँ। टेक्निकल डेटा भी एनालिसिस करेंगे, लेकिन केयर रेटिंग मात्र इंडिया में 3 ही कंपनी है, इकरा, क्रिसिल एंड केयर रेटिंग, ये 3 कंपनी है। ये बहुत ही हेल्दी सेक्टर है। केयर रेटिंग में हमने देखा पिछले 2 साल से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डाउन ट्रेंड था
वो डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म होते हुए मुझे दिख रहा है, चार्ट पे अभी नहीं हुआ, चार्ट की भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो सेक्टर है 40-30 के पी पे डिस्काउंटेड होना चाहिए, और ऑलरेडी इकरा का शेयर एंड कृषि का स्टॉक 30 के ऊपर के पी पे ट्रेड हो रहा है, 25-30-40 के पी पे ट्रेड हो रहा है। इसमें ये जो स्टॉक है, अगर 40 रुपीज के भी अर्निंग को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 के पी पे भी अगर देखा जाए तो बहुत सस्ता है। इस स्टॉक का प्राइस जो अभी रन कर रहा है 300 के आसपास रन कर रहा है, और एक डेली चार्ट पे मुझे छोटा सा डबल बॉटम बनते हुए दिख रहा है, और रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है यहाँ पे, क्योंकि जो मार्च का बॉटम था बिल्कुल नियर टू बॉटम है। ये जो बॉटम बना था मार्च में 235 का बॉटम था, लेकिन 235 पे क्लोजिंग जो हुई थी, क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो 260 के आसपास का क्लोजिंग रहा है, और अभी रिसेंट जो लो लगा है 296 का, इसके नीचे बिल्कुल भी ये स्टॉक नहीं जाना चाहिए। अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म इस स्टॉक में 296 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इस स्टॉक को मैंने 260 के लेवल से ये जो ब्रेकआउट हुआ था और यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी ढूंढा था कि इसमें तेजी होगी, कंसोलिडेट करके फ्लैग पैटर्न बना करके चलेगा, लेकिन ये फिर से 340 के नीचे, ये वाला लो के नीचे आने के कारण फिर से हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के कारण ये स्टॉक नीचे चला गया था। लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है कि अगर आप ट्रेडिंग करके डेली 1,000 रुपये कमाते हैं तो 25% उस कमाए वाले पैसे को आप 25% यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं SIP के तौर पे, एज फॉर माई व्यू। ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है, ना कि कोई भी ट्रेडिंग टिप्स है। यहाँ पे मैं टेक्निकल विथ फंडामेंटल इस स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ, और इसमें खरीदने बेचने का कोई भी सलाह नहीं है। जो भी बाई एंड सेल करें अपने फंडामेंटल, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ही करें। यहाँ पे मेरा जो व्यू है इस स्टॉक पे, लॉन्ग टर्म के पर्पज से एक्युमुलेशन देखे जाने की संभावनाएं दिख रही है। इस स्टॉक में गिरावट होने के पीछे एक फंडामेंटल रीजन ये रहा है कि एल एन टी हाउसिंग फाइनेंस अपना स्टेक इसमें जो है वो सेल कर रही है, सेल कर रही थी, जो कि सेल उसका खत्म हो गया है, जो मुझे लगता है कि सेल उसका खत्म हो गया है, और यहाँ से उसका सेल ऑब्जर्व होने के बाद एक कहीं ना कहीं एक्युमुलेशन होते हुए मुझे ये स्टॉक अब दिखेगा, और धीरे धीरे ये 10 के पीई को डिस्काउंट करेगा, जिसका प्राइस 400 के आसपास होगा, और ये स्टॉक 40-20 के पीई पे भी अगर जाता है तो आने वाले 2 साल के अंदर में मुझे 750 के टारगेट दिखते हैं। यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, 260 और 296 एक मेजर सपोर्ट है टेक्निकली। 296 टूटेगा तो 260 एक लास्ट सपोर्ट होगा, और उसके नीचे चला जाता है तो फिर इस स्टॉक को हम टेक्निकली अवॉइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे एज फॉर जिस तरीके से रिजल्ट आज आए हैं, मार्केट बंद होने के बाद रिजल्ट आया है, तो मुझे लगता है कि ये जो पिछले लगभग एक हफ्ते से जो ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये 320 का लेवल टूटते ही एक बड़ी तेजी आने के चांसेज है। 340-360 ये जो करेक्शन हुआ है, ये अगले कुछ दिनों तक रेंज में ही चलेगा। ये स्टॉक 370 और 320 के रेंज में चलेगा। ये अभी हम लोअर रेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, 320, 330, 340 और 370, ये एक रेंज होगा एक्युमुलेशन का। उसके बाद 370 ब्रेक होने के बाद ये स्टॉक 440 तक जाने के पूरे ताकत रखता है, और आने वाले 2 क्वार्टर के रिजल्ट ऐसे ही आ जाता है जो मैंने व्यू दिया है, तो अगले 2 साल के बाद ये स्टॉक 800+ हो सकता है। क्योंकि ये जो स्टॉक है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पैनी स्टॉक भी बन सकता है, ऐसे ही स्टॉक पैनी भी होते हैं। ये डबल टॉप बना करके स्टॉक फॉल कर रहा है, इसका जो IPO लगभग 2012 में आया था 900 के लेवल से, ये नीचे की तरफ 390 के आसपास आया। मुझे लगता है कि इस 397 के आसपास से ये स्टॉक चलते चलते 1600 रुपये का हुआ था,
और उसका बॉटम बना के डबल बॉटम बनाया है, और ये जो हाई लगा है 2017 का, 2017 के हाई से ही इसका मुझे एज फॉर माई व्यू इसमें एक बॉटम बनते हुए दिख रहा है। और इस बॉटम के बाद अगर आप देखेंगे ए बी और सी पैटर्न में डबल एक वेब पैटर्न के अकॉर्डिंग ए बी सी पैटर्न में बॉटम बनते हुए दिख रहा है, और ये स्टॉक अगर इस हाई से अगर किया जाए तो ये स्टॉक जब तक से 800 तक एक माइनर करेक्शन होगा, 800 के बाद 800 तो एक मिनिमम टारगेट दिख रहा है, और 800 से लेकर के फिर से 600 के 640 के जोन में ये कंसोलिडेट करने के बाद 800 एक इसका मेजर रेजिस्टेंस होगा, ये ब्रेक करेगा तब ये असली बुल रन में आएगा। तो 800 तक तो इसमें एक तेजी बनता ही बनता है एज फॉर लॉन्ग टर्म चार्ट के बेसिस पर अगले 2 साल के लिए, लेकिन फंडामेंटल और टेक्निकल और शॉर्ट टर्म चार्ट एनालिसिस पे यहाँ से खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम 10 शेयर तो बाई बनता ही है एवरी डिप पे, एवरी 10 रुपये फॉल पे 10 शेयर। मेरा जो व्यू है अपना पर्सनल खुद के लिए, एवरी 10 रुपये डाउन पे मैं 10 शेयर SIP के तौर पे डालूंगा। जिस तरीके से कॉल पुट में डाला जाता है वैसे ही इस स्टॉक को डालने की कोशिश करना चाहिए। प्रॉफिटेबल ट्रेड में, ट्रेडिंग पे जो प्रॉफिट होता है उस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है एज फॉर एजुकेशनल व्यू है ये। यहीं पे वीडियो को एंड अप करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।